नमस्ते विद्यार्थियों, आज अपन काल के बारे में पढ़ेंगे। काल काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ होता है समय है। तो काल का अर्थ समय। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय ज्ञात हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का जो समय ज्ञात हो तो उसे काल कहते हैं। काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय ज्ञात हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय ज्ञात हो उसे काल कहते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ। मैं खाना खाऊंगा। इस प्रकार से ये वाक्य है। तो मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खाऊंगा। तो मैं खाना खा चुका हूँ मतलब खाना खाने की जो क्रिया है, कार्य है, वो हो चुका है। और वो कब हुआ है? पहले हो चुका है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे। भूतकाल, क्योंकि कार्य हो चुका है, भूतकाल में हो चुका है, इसलिए इसे भूतकाल कहते हैं। चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं। वाक्य के अंत में अगर ऐसे शब्द है तो वह भूतकाल के का वाक्य होता है। दूसरा है, मैं खाना खा रहा हूँ, यानी कार्य वर्तमान में जारी है, इसलिए ये जो वाक्य है वो किसका है? वर्तमान काल का है, यानी कार्य वर्तमान में हो रहा है, वर्तमान काल। मैं खाना खाऊंगा तो आगे आने वाले समय में कार्य होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए ये क्या हो गया? भविष्यत काल का वाक्य हो गया। भविष्यत काल। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य होने का जो समय ज्ञात हो वो काल कहलाता है। अब जैसे मैं खाना खा चुका हूँ तो कार्य हो चुका है, ये वाक्य भूतकाल का है। मैं खाना खा रहा हूँ तो ये वर्तमान में कार्य जारी रहने का के बारे में बता रहा है, भाई जो कार्य हो रहा है वो वर्तमान समय में हो रहा है, इसलिए वर्तमान काल का वाक्य है। मैं खाना खाऊंगा तो आगे खाने आने वाले समय में कार्य होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए भविष्यत काल का वाक्य है। तो जो काल है वो तीन प्रकार के होते हैं। काल,
तीन प्रकार के होते हैं काल के भेद। भेद या प्रकार, तो जो काल है वो तीन प्रकार के होते हैं, भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यत्काल। भविष्यत्काल तो भूतकाल जिसमें जो क्रिया है कार्य है वो बीते समय में हो चुकी है वह भूतकाल कहलाता है। वर्तमान काल जिसमें कार्य वर्तमान समय में जारी रहता है वह वर्तमान काल कहलाता है। और भविष्यत्काल जिसमें कार्य आने वाले समय में पूर्ण होगा वह भविष्यत्काल कहलाता है। अब भूतकाल है वो भी छह प्रकार के होते हैं, सामान्य भूतकाल, नंबर एक सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, नंबर तीन है पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, नंबर चार है अपूर्ण भूतकाल, नंबर पाँच है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल और नंबर छः है वो है हेतु मद भूतकाल। इस प्रकार से जो ये भूतकाल है ये छह प्रकार के होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। तो पहले भूतकाल किसे कहते हैं, तो भूतकाल यानी जो कार्य बीते हुए समय में पूर्ण हो चुका है वह भूतकाल कहलाता है। जैसे गीता सो गई थी, सॉरी भूतकाल में गीता सो गई थी, मैंने एक एक निबंध लिखा था, राजेश ने पत्र लिखा था। तो गई थी, लिखा था, तो ये जो क्रियाएं हैं वो पहले हो चुकी है, इसलिए ये जो वाक्य हैं किसके हैं, भूतकाल के हैं। अब इसमें पहला है सामान्य भूतकाल, तो जो सामान्य भूतकाल है इसमें क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः क्रिया के संपन्न होने का बोध हो परंतु उसके संपादन का जो काल है उसका पता नहीं है, यानी क्रिया के जिस रूप से क्रिया के संपन्न होने का बोध तो होता है लेकिन उसके संपादन होने का समय ज्ञात नहीं होता है, तो उसे
भूतकाल वो सामान्य भूतकाल कहते हैं। दोबारा देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न होने का बोध तो होता है लेकिन उसके संपादन होने का समय ज्ञात नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने लेख लिखा, मैंने लेख लिखा, उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी, अविनाश ने गाना गाया। देखिए सामान्य भूतकाल में क्या था कि जो क्रिया है उस क्रिया के संपन्न होने का बोध तो होता है लेकिन उसका जो संपादन है यानी कार्य कब हो रहा है उसका निश्चित समय ज्ञात नहीं हो रहा है, यानी कार्य कब पूर्ण हो रहा है उसके बारे में पता नहीं है। अब जैसे मैंने लेख लिखा है, मैंने लेख लिखा तो इसमें कुछ लिखा है, लेख लिखा तो है लेकिन वो कब लिखा है उसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी नहीं है, यानी कार्य तो कर चुके लेकिन कब किया है इसके बारे में पता नहीं है। उसने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक तो पढ़ चुका है वो लेकिन कब पढ़ चुका है उसके बारे में समय का पता नहीं है। जैसे राजेश ने गाना गाया या अविनाश ने गाना गाया तो गाना तो गाया उसने लेकिन कब गाया है इसलिए इसमें जो समय है उसका पूर्ण पता नहीं है। यानी ये तो पता है कि कार्य हो चुका है, क्रिया हो चुकी है तो क्रिया होने के जो समय है क्रिया के संपन्न होने के बारे में तो हमें पता है लेकिन वो कार्य कब पूर्ण हुआ इसके बारे में हमें पता नहीं है, इसलिए जो क्रिया है वो किसकी है, सामान्य भूतकाल की है। जैसे इसी प्रकार से और भी कह सकते हैं कि राधा घर गई, अब घर तो गई लेकिन कब गई, अभी गई, पहले गई, तो इस चीज़ का हमें पूर्ण पता नहीं है इसलिए क्या है, सामान्य भूतकाल होता है। दूसरा है आसन भूतकाल, आसन का मतलब अभी अभी, यानी जो कार्य है वो अभी अभी पूर्ण हुआ है तो जो आसन भूतकाल है उसमें क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात है हो कि कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है, आसन का मतलब अभी अभी है या अभी थोड़ी देर पहले, तो क्रिया के जिस रूप से ये तो ज्ञात हो कि कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है तो वह आसन भूतकाल कहलाता है। जैसे मैंने लेख लिखा है, यह है मैंने लेख लिखा तो इसी का आसन भूतकाल का है, आसन भूतकाल। मैंने लेख लिखा है, उसने पुस्तक पढ़ी है, तो बात यही है कि उसमें क्या था, मैंने लेख लिखा, अब कब लिखा इसके बारे में हमें पता नहीं था, ये था भाई कार्य हो चुका लेकिन कब हुआ पूर्ण इसके बारे में पता नहीं है। इसमें मैंने लेख लिखा, मैंने लेख लिखा है तो ये जो है शब्द है ये हमें क्या है, कार्य के अभी होने के बारे में जानकारी दे रहा है कि अभी मैंने लेख लिखा है, मैंने लेख लिखा है तो लिखने के बारे में है कि भाई लिखा है और वो लिखा है तो कब, अभी लिखा है। उसने पुस्तक पढ़ी है तो पुस्तक पढ़ी है और ज़्यादा लंबा समय के बारे में नहीं बता रहा है कि कब से लिखी है। इसी प्रकार जैसे सुनील ने खाना खाया है, सुनील ने खाना खाया है
रवीना ने गाना गाया है। तो इसमें आ है, ई है, आ है, तो ऐसे जो वाक्य के अंत में जब ऐसे शब्द आते हैं तो वो होते हैं आसन भूतकाल के, यानी कार्य है वो अभी अभी पूर्ण हुए हैं। इसमें था, अगर इसमें जिसे है या है और यहाँ पर क्या नहीं है, है नहीं है, सही क्रिया नहीं है, इसलिए ये वाक्य किसका है, सामान्य भूतकाल का। तो सामान्य भूतकाल में कार्य तो हो चुका लेकिन कब हुआ, तो इसके बारे में हमें संदेह है, संदिग्ध है, इसलिए ये सामान्य भूतकाल। और मैंने लेख लिखा है तो कार्य क्या है, हो चुका है, और वो भी कब हुआ है, अभी अभी हुआ है। उसने पुस्तक पढ़ी है तो पढ़ी, तो ये था सामान्य भूतकाल, और उसने पुस्तक पढ़ी है तो यानी कार्य क्या है, अभी हुआ है। सुनील ने खाना खाया है, तो सुनील ने खाना जो क्रिया है खाना खाने की, वो की कब की है, अभी की है। इसी प्रकार से गाना गाया है तो ये कार्य क्या है, अभी संपन्न हुआ है। इसलिए जब वाक्य में के अंत में आ है, ई है, ऐसे शब्द आते हैं तो वह कहलाते हैं आसन भूतकाल के। आ, ई, ऐसे शब्द आते हैं तो वो होते हैं सामान्य भूतकाल के। ए है, जैसे वह जयपुर गया, अब वो कब गया तो उसके बारे में भी पता नहीं है। तीसरा है पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल में जो क्रिया है, क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हो या काफी समय हो चुका है, पूर्ण का मतलब कार्य पूर्ण हो चुका है और वो पहले हो चुका है, तो वह कहलाता है पूर्ण भूतकाल। तो परिभाषा में देखिए कि क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य है वो समाप्त हुए काफी समय हो गया है, क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य है वो समाप्त हुए काफी समय हो चुका है, तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। और वाक्य है उसके अंत में क्या है, था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, जिसे मैं पत्र पढ़ चुका था, मैं पत्र पढ़ चुका था, रीना पाठ पढ़ चुकी थी, राकेश खाना खा चुका था, सुनीता खाना बना चुकी थी, अनिल खेल चुका था। तो इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, किसमें, पूर्ण भूतकाल में, यानी कार्य है वो बहुत लंबे समय यानी बहुत समय पहले ही पूर्ण हो चुका है, तो वह क्या कहलाएगा, पूर्ण भूतकाल कहलाएगा। जैसे मैं पत्र पढ़ चुका था तो कार्य बहुत पहले कर चुका था, रीना पाठ पढ़ चुकी थी तो जो पढ़ने का कार्य है वो पहले कर चुकी थी यानी बहुत समय पहले कर चुकी थी, उसके राकेश खाना खा चुका था,
तो खाना है वो कब का खा चुका था आप, यानी बहुत लंबे समय की बात तो हो गई है। सुनीता खाना खा चुकी थी, वह अनिल खेल चुका था। तो जब क्रिया है उस क्रिया से ये ज्ञात होता है कि कार्य समाप्त हुए, काफ़ी समय हो गया, तो वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। और वाक्य के अंत में था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं तो वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। फिर है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल तो जो अपूर्ण भूतकाल है उसमें क्रिया से ये तो विदित होता है कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो चुका, लेकिन वह कब पूर्ण हुआ तो इसके बारे में हमें पता नहीं होता है। यानी कार्य कब समाप्त हुआ, हमें ये तो पता है कि कार्य है वो भूतकाल में प्रारंभ हो चुका लेकिन वो अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो वह कहलाता है अपूर्ण भूतकाल। जैसे मैं लेख लिख रहा था, मैं लेख लिख रहा था, मैं मोहन आ रहा था, मोहन आ रहा था, वह क्रिकेट खेल रहा था, वह क्रिकेट खेल रहा था। सुरेश मैदान में घूम रहा था। तो अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है कि जो क्रिया है उस क्रिया से ये तो विदित होता है कि जो कार्य है वो भूतकाल में प्रारंभ हो गया लेकिन जो कार्य है वो भी क्या हुआ, समाप्त नहीं हुआ है, तो ये अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे मैं लिख रहा था तो कार्य तो कर रहा था लेकिन वो कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि कार्य पहले से हो रहा था। तो मैं लेख लिख रहा था तो क्या किया जा रहा था, लिखा जा रहा था, पहले से लिखा जा रहा था लेकिन वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, जारी है। मोहन आ रहा था तो पहले से आ रहा है लेकिन वह अभी आया नहीं। वह क्रिकेट खेल रहा था तो खेलने का कार्य हो रहा है पहले से लेकिन वह अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो कार्य के प्रारंभ होने का समय तो पता है, पहले से प्रारंभ हो चुका है लेकिन वह अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उसके समाप्त होने के बारे में पता नहीं होता है, तो वह कहलाता है अपूर्ण भूतकाल। इसी प्रकार जैसे सुरेश मैदान में घूम रहा था तो वह घूमने का कार्य कर रहा है, कर रहा है तो कब से कर रहा है, वह पहले से ही कर रहा है, इसलिए ये क्या है, अपूर्ण भूतकाल कहलाते हैं। फिर है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब शंका, कार्य होने में शंका हो तो वह संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। कार्य होने में शंका हो तो वह संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। तो क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध तो हो परंतु कार्य होने में क्या है, संदेह प्रकट हो। क्रिया के जिस रूप से कार्य का ये तो भूतकाल में होने का बोध तो होता है परंतु कार्य होने में संदेह होता है तो वह संदेह या संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। जैसे उसने
उसने लेख लिखा होगा, उसने लेख लिखा होगा। दूसरा है, अनिता ने खाना खाया होगा, अनिता ने खाना खाया होगा। अब इसमें जैसे गा गे गी ये किस में आते हैं? भविष्यत काल में आते हैं, लेकिन संदिग्ध भूतकाल में हमें कार्य होने में क्या होती है? शंका होती है, संदेह होती है, होता है। तो वहाँ पर बी आ ई ए इनके बाद में क्या होगा? होगा, होगी, ऐसे शब्द आते हैं। जैसे उसने लेख लिखा होगा तो कार्य पूर्ण होने की जानकारी तो मिलती है, भाई कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन वो अभी हुआ है या नहीं हुआ है इसमें संदेह है, क्योंकि उसने क्या कहा? उसने लेख लिखा होगा। भाई लेख तो लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा, पुस्तक लिखी होगी, पत्र लिखा होगा, लेकिन वो पता नहीं कि लिखा है या नहीं लिखा है, इसमें संदेह है। जैसे अध्यापक ने पाठ पढ़ाया होगा, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया होगा, तो यह तो है भाई कार्य किया होगा, लेकिन वो कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं इसमें शंका है, संदेह है। अनिता ने खाना खाया होगा, अब यह तो भाई खाना खा ली होगी, लेकिन वो खाई या नहीं खाई इसमें संदेह है, उसकी वास्तविकता का पता नहीं है। तो जो संदिग्ध भूतकाल है इसमें कार्य पूर्ण होने का तो पता चलता है, कार्य हो चुका है, लेकिन वह हुआ या नहीं हुआ उसमें संदेह होता है, संदिग्ध होता है। केवल हम अनुमान तय लगा सकते हैं कि वो कार्य पूर्ण हुआ होगा। छठा है हेतु हेतुमद, हेतु हेतुमद। तो हेतु हेतुमद होता है उसमें क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में होने वाला था किंतु हुआ नहीं। देखो क्रिया से ये पता चलता है कि कार्य है वो भूतकाल में होने वाला था किंतु हुआ नहीं, तो उसे क्या कहते हैं? हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल में क्या था? अपूर्ण भूतकाल में यह था कि कार्य समाप्त प्रारंभ तो हो गया, लेकिन वह क्या नहीं हुआ? समाप्त नहीं हुआ। कार्य प्रारंभ तो हो गया लेकिन वह अभी समाप्त नहीं हुआ, तो वह तो क्या कहलाता है? अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। और हेतु हेतुमत जो भूतकाल होता है उसमें क्या है कि जो कार्य है भूतकाल में होने वाला था, इसमें तो क्या है? कार्य होने वाला था, और इसमें क्या था? कार्य प्रारंभ हो चुका था। अपूर्ण भूतकाल में कार्य प्रारंभ हो चुका था, लेकिन इसका किसका पता नहीं है? समय का पता नहीं है, लेकिन समय का पता नहीं, किसका? समाप्त होने का। और इसमें क्या है कि कार्य प्रारंभ होने वाला था लेकिन वो क्या है? पूर्ण नहीं हुआ। होने वाला था किंतु हुआ नहीं। तो इन दोनों में अंतर यही है, अपूर्ण भूतकाल में कि कार्य प्रारंभ हो चुका था लेकिन समय का पता नहीं कि वो कब पूर्ण होगा या हुआ। और इस जो हेतु हेतुमद है इसमें कार्य होने वाला था किंतु वह हुआ भी नहीं, केवल संभावित था भाई ये कार्य होगा लेकिन हुआ नहीं। जैसे यदि राम आता, यदि राम आता तो मैं भी चलता, यदि राम आता तो मैं भी अवश्य चलता, मैं भी
तो इसमें इसमें यह है किसके ऊपर क्रिया संभावित है, राम के ऊपर, कि यदि राम आता तो क्या होता, मैं भी अवश्य चलता। तो इसमें आना और चलना किसके ऊपर, यदि वो आता तो मैं चलता, केवल ये है। जैसे कोई किसी को कार्य नहीं करना होता है तो वो ये कहता है कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता, तो इसमें भी यही है कि राम आता तो मैं भी अवश्य चलता, यदि साइकिल मिल जाती तो मैं वहाँ जाता, यदि साइकिल मिल जाती तो मैं अवश्य जाता। तो इसमें क्या है, कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जैसे और है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो केवल इसमें शंका व्यक्त की जा रही है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, भाई यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये केवल संभावना व्यक्त की जा रही है, वो अच्छी होती या नहीं, लेकिन किसके ऊपर टिकी हुई है, वर्षा के ऊपर। यदि वो कह रहे हैं कि यदि साइकिल मिल जाती तो मैं अवश्य जाता, तो केवल बहाना किसका हो गया, साइकिल का हो गया। तो हेतु हेतु मत जो भूतकाल है उसमें ये होता है कि कार्य है वो भूतकाल में होने वाला था लेकिन वह हुआ नहीं, तो वह कहलाता है हेतु हेतु मध्य भूतकाल। अब है वर्तमान काल, वर्तमान काल। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं, वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य है वो वर्तमान समय में हो रहा है, क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए, किंतु ये निश्चित होना पाया जाए, और ये है कि कार्य है वो कैसा है, निरंतर जारी है। दोबारा देखिए कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होने का पता चले तो वह वर्तमान काल कहलाता है, और वर्तमान काल में जो समय है वो जारी रहता है। जैसे बालक पुस्तक पढ़ रहा है, सुनील खाना खा रहा है, अविनाश अविनाश पत्र लिख रहा है, चौथा है विद्यार्थी अपना गृह कार्य कर रहे हैं। तो वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। ये जो वर्तमान काल है वो कार्य के निरंतर होने के या जारी रहने के बारे में हमें जानकारी देता है, तो वह वर्तमान काल होता है। जैसे बालक पुस्तक पढ़ रहा है, तो जो पुस्तक पढ़ने का कार्य है वो वर्तमान में जारी है। जैसे मैं
पाठ पढ़ा रहा हूँ या काल पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो कार्य है वो वर्तमान में जारी है। सुनील खाना खा रहा है, तो जो खाना है वो खाने की जो क्रिया है वो वर्तमान में हो रही है, कार्य जारी है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है। अविनाश पत्र लिख रहा है, तो पत्र लिखने का जो कार्य है वो अभी चल रहा है, वो पूरा नहीं हुआ है। विद्यार्थी अपना गृह कार्य कर रहे हैं, तो जो गृह कार्य करने का जो समय वो गृह कार्य है वो अभी किया जा रहा है, वो पूरा नहीं हुआ है। तो जो कार्य है वो वर्तमान समय में जारी है, उसके बारे में हमें यदि पता चले तो वह वर्तमान काल कहलाता है। अब जो वर्तमान काल है और जो भविष्य काल है, इसका इस इनके जो काल है वो आने वाले कालांश में पढ़ा जाएगा।